जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किसमें चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम का कितना होगा सर? देखिए, हमने बताया कि 70 सीटों पर हम लोगों ने पहले सहमति बनाई है और चूंकि ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी कुछ लोग हैं जिनको अभी यहां पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहां कहां चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। वो भी बता देंगे। तब तो जिज्ञासा बनी रह गई। जिज्ञासा नहीं चाहिए आपको? जिज्ञासा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 वाले तो देखिए 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि किसके पास कितनी सीटें होंगी ये संख्या अभी नहीं बताई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार ये कहते नजर आए कि 70 सीटों पर हम और कांग्रेस चुनावी मैदान में होंगे। 11 जो शेष सीटें हैं वहां पर आरजेडी और जो माले है उनके प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। तो 70 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि बाकी सीटों पर गठबंधन के दूसरे साथी चुनाव लड़ेंगे। अब ये दूसरे साथी कौन है तो वो भी जान लीजिए। आरजेडी जो कि पहले भी उनके साथ थी, अब आरजेडी के साथ एक और सहयोगी इस बार इस इंडी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, जिसका जिक्र हेमंत सोरेन ने भी किया कि इंडी अलायंस की सीट की संख्या क्या होगी इसके लिए सभी सहयोगियों का साथ होना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन 70 सीटें जो होंगी उन 70 सीटों में जेएमएम और कांग्रेस के 20 सीटों का बंटवारा होगा। संख्या कितनी होगी थोड़ा और इंतजार। लेकिन शेष 11 सीटों में आरजेडी और फिर उनके साथ माले की पार्टी जो है वो नजर आएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आया और कहा कि सहमति हमारी बनी है। सहमति किससे बनी है तो जेएमएम और कांग्रेस से, और जाहिर सी बात है कि बड़ी भूमिका इन्हीं दोनों की है। तो इन सबके बीच जो सहमति बनी है वो 70 सीटों को लेकर के बन चुकी है कि 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि जेएमएम कितनी लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी ये साफ हेमंत सोरेन ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब 11 सीटें बाकी घटक दलों के लिए छोड़ा गया है। आरजेडी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है और एक बयान भी सामने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय
सिंह यादव का आता है कि 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब 11 सीटें ही जब बची है तो आप 22 सीटों पर कहां से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी आज रांची पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, और ऐसे में एक जो इंडिया अलायंस की बैठक है वो भी अभी होनी बाकी है, लेकिन इन दो पार्टियों में एक जो आपसी सहमति है 70 सीटों को लेकर के वो बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीपीआईएमएल और आरजेडी इस बात को